Please subscribe to my channel and hit the bell icon for my latest artworks. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ फेस, अ मेल फेस। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था पेस्टल्स के थ्रू ड्रॉ करने के, तो पहले मैं कुछ आउटलाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने जैसे पहले बताया है, इन आउटलाइंस का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, बाद में सबमिट ही जाता है पेस्टल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, मैं पहले डार्कर एरियाज़ को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ब्राउन टोन हो गया, और इसमें रेड टोन्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इवन ग्रीन टोन्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ग्रीन टोन्स का इतने वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली है, एक रियलिस्टिक फेस बनाने के लिए ग्रीन टोन्स भी बहुत मददगार होती हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया है, सबसे डार्कर एरिया, उसके बाद लाइटर एरिया, उसके बाद बिल्कुल लाइटर एरिया। तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, मैंने सेम ऐसे ही बना करके दिशा के पोर्ट्रेट को बनाया था और श्रद्धा के पोर्ट्रेट को भी ऐसे ही बनाया था। सबसे पहले आप डार्कर एरिया को ढूंढिए, उसके बाद लाइटर, उसके बाद सबसे लाइटर। तो लाइट एंड शेड्स के बारे में आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपके लिए किसी का पोर्ट्रेट बनाना बहुत इजी होगा। मैं यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ। पहले मैंने डार्कर एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया फेस के ऊपर, उसके ऊपर लाइटर, और फिर सबसे ज़्यादा लाइटर, सबसे लास्ट में वाइट टोन्स आते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं लाइट येलो टोन्स को यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वाइट टोन्स को भी यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे मैं अपने फिंगर्स को यूज़ करके उन्हें सॉफ्ट पेस्टल्स को मर्ज कर दिया है, और अब इसके बाद मैं डव एंड पेस्टल पेंसिल्स जो हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। इन पेंसिल्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है, एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आपको अगर आपको बनाना है तो ये पेंसिल्स भी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये पेंसिल्स आपके पास नहीं है, पेस्टल पेंसिल्स, तो आप नॉर्मल सॉफ्ट पेस्टल से भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, बट डेफिनेटली एक फिनिश्ड पोर्ट्रेट के लिए पेस्टल पेंसिल्स का भी बहुत बड़ा रोल है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ देखिए डोमेन ब्रांड की पेस्टल पेंसिल्स को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने आईज़, एक आई को फिनिश किया, तो ये एक लेवल तक फिनिश हुआ, अभी ये पूरा 100% फिनिश नहीं है। तो हम एक लेयर बाय लेयर काम करते हैं इसमें, एक ही लेयर में सारी डिटेल लाने की कोशिश मत कीजिएगा आप भी, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि उससे ये होता है कि बाद में आपको पता नहीं चलता है कि बाकी जगह की डिटेल्स क्या हैं। तो इसलिए लेयर बाय लेयर चलिए, वो सबसे अच्छा रहता है। और अब देखिए, मैं बनाए हुए अपने ही जो पहले लाइंस मैंने ड्रॉ की थी उनको मैं अभी हटा करके रिकन्फर्म कर रहा हूँ अपने एरियाज़ को, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो की शुरुआत में भी, कि अब उन लाइंस का बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रहा जो मैंने पहले ड्रॉ की थी, वो केवल एक गाइडलाइन के तौर पर ही यूज़ हुई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आई से एक लेवल तक फिनिश हुई हैं, ये अभी कम्प्लीटली फिनिश नहीं है, इस पर और काम करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप लेयर बाय लेयर काम कीजिए, और जितने कलर्स आप यूज़ करते हैं उन कलर्स के केवल टोन्स पे ही मत जाइए, क्योंकि उन टोन्स को आप कहाँ यूज़ करेंगे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और पेस्टल्स को मर्ज करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप फिंगर्स को ही यूज़ करें, क्योंकि ब्लेंडर स्टम्प वगैरह यूज़ करेंगे तो इतना हेल्प नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि ब्लेंडर क्या करता है कि सारे कलर्स को ही हटा देता है। तो फिंगर्स ही सबसे बेस्ट है यहाँ पे, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अलग आर्टिस्ट को भी आपने देखा होगा, वो भी फिंगर्स को ही यूज़ करते हैं जहाँ तक पेस्टल्स या चारकोल्स की बात है। तो और दूसरी चीज़ मैंने जो बताया था आपको, कि पेस्टल्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो डार्क पे लाइट पेस्टल्स बहुत आसानी से चढ़ते हैं, जो कि आपको दूसरे किसी मीडिया में नहीं मिलेगा इतना इजीली। जैसे यहाँ मैंने ब्लैक हेयर्स किए थे, तो उसके ऊपर मैं वाइट को बहुत ही इजीली ऑप्ट कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है पेस्टल्स के लिए, मतलब अगर आप पेस्टल्स में काम करते हैं तो फिर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपके कोई चीज़ ख़राब हो गई, आपको उसको इरेज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रेज़ वगैरह करने का इसमें कोई रोल नहीं होता, बस आपको टोन्स यूज़ करके डिफरेंट अपनी वैल्यूज़ को ऑप्ट करना होता है। अब आप कलर्स के, जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिप्स वगैरह को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं डार्कर टोन्स भी यूज़ कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम लाइटर टोन्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो कलर आपको दिख रहा है पेस्टल में उस कलर को ही वहाँ पे यूज़ करना है, उसके आसपास का कोई मैच हो तो वो भी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं और उससे एक इनोवेटिव सा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो ये सबसे ख़ास बात है जो पेस्टल्स की मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पोर्ट्रेट है वो सेकेंड लेवल की फिनिशिंग पे आ गया है। और इस पूरे पोर्ट्रेट को बनाने के लिए मेरे को अराउंड 3-3.5 घंटे लगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे अगर अदर मीडियाज़ में आप बात करें इस लेवल की फिनिशिंग के लिए, जैसे कि कलर पेंसिल में आप अगर सोचें, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 30-40 घंटे तक भी लोग लेते हैं फिनिश पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है अगर पेस्टल्स, और ये पेस्टल्स के थ्रू ही आप ऑप्ट कर सकते हैं इतनी जल्दी किसी पोर्ट्रेट को फिनिश करके, क्योंकि इसमें कलर्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और आप जल्दी से एक कलर की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, जो कि बाकी मीडियाज़ में पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, ऑयल कलर वगैरह में ज़रूर आप बहुत जल्दी रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या ये कहें कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके पेस्टल्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया है कि आप कलर्स की फ़िलॉसफ़ी को समझने की कोशिश कीजिए। हर कलर, अगर पेस्टल्स में आप ड्राइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कलर्स की फिलॉसफी को ज़रूर समझना चाहिए। जैसे लाइटर टोन्स होते हैं, डार्कर टोन्स होते हैं, और सबसे डार्कर टोन्स भी होते हैं, तो उन टोन्स को आपको किस टाइम पे यूज़ करना है और कहाँ कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक पेस्टल्स का बात है या फिर ऑयल कलर्स की बात है। पेंसिल ड्राइंग में इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, वहाँ पे केवल एक ग्रे टोन्स होती हैं और वाइट टोन्स होती हैं, और ग्रे की ही क्वांटिटी को हम बढ़ाते जाते हैं वहाँ पे। तो बट जब कलर्स में आते हैं हम, कलर्स या पेंसिल कलर्स हों, चाहे पेस्टल कलर्स हों या फिर ऑयल कलर्स हों, वाटर कलर्स हों, तो वहाँ पे हमें कलर्स की आइडियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी कलर के एक्सप्रेशंस को आपको पेपर पे लाना, इट्स अ बिग चैलेंज। तो वो चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मैं अब थर्ड लेयर की फिनिशिंग कर रहा हूँ, तो कम से कम 3-4 लेयर तक फिनिशिंग तो करना ही पड़ता है। इससे कम लेयर की फिनिशिंग अगर आप करेंगे तो फिर रियलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहली लेयर में ही कोशिश मत कीजिएगा, और बहुत हल्का ड्रॉ कीजिएगा। पेस्टल्स में तो खासकर ये आपको बहुत ही कम प्रेशर पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो प्रेशर तो आपको लगाना ही नहीं है। और यहाँ जो फ्रेंड्स मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो है स्ट्रैथमोर पेपर, आर्ट अगेन पेपर, जिसको मैंने अपने पेपर्स के, ड्राइंग पेपर्स के रिव्यू में भी दिखाया था। और ये पेपर्स वाकई में फ्रेंड्स बहुत अच्छे पेपर्स हैं, जो मैंने यहाँ यूज़ किए वो मुझे वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी अगर पेस्टल्स वगैरह में ड्राइंग करते हैं तो इस पेपर्स को एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। फ्रेंड्स, में देखिए अब अदर जो डिटेल्स हैं उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार इसको ज़रूर बना करके आप कोशिश कीजिएगा कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जो राइट में मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसको भी आप साइड बाय साइड देखते चलिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी ड्रॉ करने की। फ्रेंड्स मैं इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, बस बैकग्राउंड वगैरह में कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये पोर्ट्रेट पसंद आया होगा, जो मैंने बात बताई है वो भी आपको समझ आई होगी कुछ हद तक। और फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, तो मटेरियल्स आर्ट मटेरियल से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।